तो हो चला है प्राइम शतक का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का डिब्बा गुल, अब राजस्थान की बारी है पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार, सीएम गहलोत और लाल डायरी का भी हुआ जिक्र। हम हर जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन महादेव ऐप के पैसे पर चुप्पी क्यों, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तोमर के कैश डील वीडियो पर कांग्रेस को घेरा। सबूत दें, हम जांच को तैयार, निज्जर विवाद पर विदेश मंत्री जयशंकर का कनाडा को दो टूक जवाब, ब्रिटेन के दौरे पर है विदेश मंत्री। जब मैं कांग्रेस के साथ जुड़ा था तो मैंने माधव राव को बहुत करीब से देखा, प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर किया वार तो भड़के, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा। भारतीय टीम बॉस की तरह क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंची, गृह मंत्री अमित शाह ने टीम इंडिया को दी बधाई, कहा यह आपकी उत्कृष्ट खेल भावना का प्रमाण है। उत्तर प्रदेश के इटावा के वैशाली एक्सप्रेस में लगी आग, 19 यात्री जख्मी, 12 घंटे में दूसरी घटना, दरभंगा एक्सप्रेस में भी लगी थी आग। चीन पाकिस्तान के युद्धाभ्यास पर भारत की पैनी नजर, पनडुब्बियों और युद्धपोत में बढ़ाई टेंशन, चीन और पाकिस्तान के बीच का यह सबसे बड़ा नौसेना युद्धाभ्यास है। कर्नाटक के ऑपरेशन हस्त की आहट, जनता दल सेक्युलर के दो पूर्व विधायकों ने थामा कांग्रेस का हाथ, टीके शिवकुमार ने की थी ऑपरेशन हस्त की घोषणा। चुनाव प्रचार के दौरान फिर भिड़े कांग्रेस और बीआरएस कार्यकर्ता, बीआरएस कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर किया हंगामा, 9 नवंबर को हुई थी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। डोडा में 250 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, करीब 40 पैसेंजर में से 36 की दर्दनाक मौत, कई घायल। मरीजों का साथ में इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स चुनावी मैदान में, डूंगरपुर में आमने सामने बीजेपी के नर्स को दिया है टिकट। केरल के पलक्कड़ में पटरी से उतरी इंजन ट्रेन सेवाएं आंशिक रूप से हुई प्रभावित, रेलवे ने कहा कि कुछ ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन बोले, हिंद महासागर क्षेत्र में सभी को सुरक्षा देने वाला देश बना भारत। गोवा में वाहन चोरी के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर सूत्रकर खिलाड़ी गिरफ्तार, पुलिस ने शुरू की जांच, खिलाड़ी ने गोवा में किया था प्रतिनिधित्व। सदी के मध्य तक गर्मी से मौतों ने देखी जाएगी 5 गुना वृद्धि, जलवायु परिवर्तन से सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा। सपा की सामाजिक न्याय यात्रा रवाना, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष यात्रा को हरी झंडी, समाजवादी पार्टी कार्यालय से यात्रा रवाना। अलीगढ़ में 6 भाइयों की दूज करने जेल पहुंची बहन, अन्य बहनों ने भी जेल में मनाया भाई दूज, जेल प्रशासन ने की व्यवस्थाएं। अलीगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद, कृष्णानगर शास्त्री नगर में हुई चोरियां, अज्ञात चोर मौके से फरार हो गए, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में गाड़ी में सब लेकर गांव पहुंचा पति, घटना के बाद इलाके में मची सनसनी, पत्नी की दहेज हत्या का आरोप लगा। अलीगढ़ में ट्रेन से गिरकर युवक की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस, पुलिस ने युवक के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।
गाजियाबाद में लोन माफियाओं की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क, कागज में बने मकानों पर करवा लेता था लोन, लक्ष्य पर करीब 35 मुकदमे कायम है। लखनऊ में फिल्म दृश्यम 2 को देखकर रची साजिश, सगे बहनोई सहित अन्य बदमाश गिरफ्तार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। भारत न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में पहुंचा। वर्ल्ड कप में भारत की लगातार 10वीं जीत, प्रयागराज में सड़कों में क्रिकेट प्रेमियों ने मनाया जश्न। रायबरेली में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, घायल 4 बच्चों में से 2 की मौत, मामला सेरनी थाना इलाके के मलके गांव का है। औरैया में महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, 2 परिवारों में आपसी विवाद का वीडियो वायरल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। फैन को थप्पड़ मारने का मामला, मामले में नाना पाटेकर ने दी सफाई, कहा सीन सीक्वेंस का हिस्सा फिल्म यूनिट का मेंबर समझकर गफलत में थप्पड़ मार दिया। पीलीभीत में कच्चे मार्ग पर ट्रैक्टर हुआ अनियंत्रित, हादसे में 1 बच्ची की मौत, पुलिस ने बच्ची का शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी के कई शहरों में बढ़ा वायु प्रदूषण, सबसे ज्यादा खतरनाक हुई मेरठ की हवा, मेरठ के AQI 400 के पार। आगरा में नहीं रुक रहे दरिंदगी, छेड़छाड़ जैसे कारनामे, एक बार फिर आया मासूम से बलात्कार का मामला, पड़ोसी युवक ने बहला फुसलाकर मासूम के साथ किया दुष्कर्म। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर दबंग ने 2 कारों में लगाई आग, घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। बहराइच में विराट के रन पर होटल व्यवसायी ने दिया ऑफर, लखनवी रसोई पर उमड़ी बिरयानी खाने वालों की भीड़, भीड़ को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस। बुलंदशहर में बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, पुलिस ने युवक को अस्पताल में कराया भर्ती, डॉक्टर ने युवक को हायर सेंटर किया रेफर। फिरोजाबाद में 2 पक्षों में पथराव और फायरिंग, महिला के सिर में गोली लगने से हुई मौत, आक्रोशित परिजनों ने शव उठाने का किया विरोध। हरदोई में मजदूर की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या, परिजनों ने ठेकेदार पर लगाया हत्या का आरोप, शहर कोतवाली में कथौलिया गांव की है घटना। लखनऊ में फैजुल्लागंज इलाके में बिजली कर्मियों ने फैलाया मकरजाल, कई घरों में बांट दिए मानक विपरीत कनेक्शन, अभियंताओं की मिली भगत में बांटे गए बिजली कनेक्शन। लखनऊ में 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस में बैठक, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय नेहरू भवन में बैठक, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में बैठक का आयोजन। लखनऊ में अग्निवीर भर्ती रैली 16 से 22 नवंबर तक चलेगी, अग्निवीर भर्ती रैली जनरल ड्यूटी टेक्निकल स्टोर क्लर्क की भर्ती होगी। लखनऊ में यूपी ATS को AMU के 2 छात्रों की तलाश, ISIS के स्लीपिंग मॉड्यूल के तौर पर सक्रिय रहने का खुलासा, AMU से जुड़े 2 छात्रों की तलाश में यूपी ATS और STF। लखनऊ में पूर्वांचल के लिए चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें, छठ पूजा के लिए चलाई जाएंगी स्पेशल बसें, यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें। छठ पर्व को लेकर CM योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा छठ पर्व पर सुरक्षा के कड़े पुख्ता इंतजाम, देव दीपावली को लेकर भी अलर्ट रहने के निर्देश। राजधानी में तेजी से पांव पसार रहा डेंगू, डेंगू के मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी, राजधानी में मिले 39 मरीज।
लखनऊ में ओरेकल इन होटल में जमकर चला ड्रामा। होटल के कमरे में भाई ने बहन को बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा। देर रात घर से गायब थी युवती। लखनऊ एयरपोर्ट पर वापस उतरा इंडिगो का विमान। लखनऊ से वाराणसी जा रहा था इंडिगो का विमान। तकनीकी खराबी के कारण लखनऊ में हुई लैंडिंग। लखनऊ में एलडीए दफ्तर में जनता अदालत। प्राधिकरण से जुड़े मामले की सुनवाई। प्राधिकरण से जुड़े जनहित मुद्दों का निपटारा। कानपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 12 नवंबर को हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। थाना सजेती क्षेत्र में हुई थी वृद्धा की हत्या। गड्ढा मार्ग पर हादसा। हाथी को अचानक देखकर घबराया युवक। बाइक रपटने से मौके पर हुई मौत। तीन धामों के कपाट के साथ पंजीकरण भी हुए बंद। अब तक 55.80 लाख के ने किए दर्शन। इसमें से 55.80 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बदमाशों को फंडिंग और वाहन उपलब्ध कराने वाले दो आरोपी बिहार से गिरफ्तार। ओएलएक्स के माध्यम से फर्जी आईडी पर गाड़ियां खरीदी गई थी। उत्तरकाशी में देर रात महसूस हुए भूकंप के झटके। रिएक्टर पैमाने पर 3.1 रही तीव्रता। जोन 4 और 5 में है उत्तराखंड के ज्यादातर इलाके। सिलक्यारा टनल हादसा को लेकर पीएम धामी का निर्देश। केंद्रीय एजेंसियों को हर तरफ का सहयोग दें, बेहतर हो समन्वय। यात्रा काल में हेलीकॉप्टरों ने की 25,000 शटल पहुंचे। 1.40 लाख से अधिक यात्री हेली कंपनियों ने हेलीकॉप्टरों ने पूरे यात्रा सीजन में 25,000 उड़ाने भरी। सुविधाओं के हिसाब से तय नहीं हो पा रही प्रोफेशनल कोर्स की फीस। जल्द होगी बैठक। कोटद्वार की खो नदी की स्वच्छता के लिए 135 करोड़ मंजूर। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की हुई बैठक। बाघों की मृत्यु दर को अप्रत्याशित नहीं मानता वन विभाग। देश भर में इस साल मरे सबसे ज्यादा बाघ। मध्य प्रदेश में मारे गए सबसे अधिक बाघ। काशीपुर में लगे कचरे का ढेर हटाया जाएगा। शहरी विकास मंत्री ने किए 3.40 करोड़ रुपए मंजूर। रुद्रपुर में बनाई जा सकती है साइबर सिटी। टाटा और इंफोसिस समेत कई कंपनियां निवेश के लिए राजी। आबकारी विभाग में अब सचिव और आयुक्त अलग अलग। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रभार दिए जाने पर उठाए थे सवाल। राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने की फाइल केंद्र में अटकी। 6 मार्गों को है इंतजार। केंद्र की ओर से सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं। बीस साल बाद घर आए माही। एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे गांव वाले। धोनी ने की कुल देवता की पूजा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हरिद्वार। वीआईपी घाट पर किया बुआ का अस्थि विसर्जन। इजरायली सेना का दावा। अल-शिफा में मिले ऑटोमेटिक हथियार और हैंड ग्रेनेड। आतंक फैलाने के लिए किया जाता था अस्पताल का इस्तेमाल। जो बाइडेन ने यूएस में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गर्मजोशी से किया स्वागत। कहा दोनों नेताओं को बिना किसी गलतफहमी के एक दूसरे को समझना चाहिए।
यूनिसेफ चीफ कैथरीन रसेल हादसे का शिकार, जंग में मारे गए बच्चों के परिवारों से मिलने जा रही थी इजराइल। गाजा के अल शिफा अस्पताल में टैंकों के साथ दाखिल हुई इजरायली सेना, जिंदगी से जूझ रहे मरीजों में दहशत, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोले हर जगह पहुंचेंगे। हरभजन सिंह के बाद इंजमाम उल हक का ब्रायन लारा पर बड़ा दावा, बोला था जिंदगी मुसलमानों जैसे गुजारनी चाहिए। पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर अब्दुल रजाक ने ऐश्वर्या राय पर की भद्दी बयानबाजी, अफरीदी समेत साथी खिलाड़ी बेशर्मी से हंसते आए नजर। अमेरिका ने लिया बदला, सीरिया में ईरान के ठिकानों पर किए हवाई हमले, 7 को मार गिराया। पाकिस्तान में शक्तिशाली भूकंप से कांपी धरती, रिएक्टर स्केल पर 5.2 तीव्रता, भूकंप का केंद्र धरती के 18 किलोमीटर अंदर था। तनाव के बीच इस साल पहली बार चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे जो बाइडेन, दोनों नेताओं की यह दूसरी मुलाकात। सेफ जोन दक्षिण गाजा में भी इजरायली हमले तेज, 10 दिन में 2 लाख से ज्यादा ने किया पलायन, सबसे बड़ा अस्पताल बना कब्रिस्तान। सितंबर में ईएसआईसी में शामिल हुए 18 लाख नए कर्मचारी, 3.5 लाख महिलाएं भी जुड़ी, युवाओं और महिलाओं को मिली नौकरियां। टाटा टेक आईपीओ के लिए तय किया प्राइम बैंड, बेहतरीन 475 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से तय किया प्राइम बैंड, जीएमपी में से मिल रहे हैं मजबूत मुनाफे के संकेत। टीसीएस ने शेयर बायबैक की डेट 25 नवंबर तय की, 17,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी कंपनी, शेयर बायबैक एक रणनीतिक फैसला होता है। शेयर बाजार की सबार शुरुआत, बजाज फाइनेंस ओपनिंग में करीब 4% टूटा, बजाज फाइनेंस में जबरदस्त गिरावट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली इजराइल हमास युद्ध बने भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बड़ी चुनौती। बजाज फाइनेंस के खिलाफ आरबीआई की बड़ी कार्रवाई, ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के तहत लोन देने पर लगाई रोक। अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 31.46 बिलियन डॉलर रहा व्यापार घाटा, 65.3 बिलियन डॉलर का हुआ इंपोर्ट। शादियों के सीजन में पहले महंगा हुआ सोना, चांदी में दिखी मामूली गिरावट। पीएम मोदी ने किसान सम्मान की 15वीं किस्त जारी की, 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में ट्रांसफर किए 18,000 करोड़ रुपए। चीन में सबसे तेज इंटरनेट सर्विस लॉन्च की, 1 सेकंड में भेज सकेंगे 150 एचडी फिल्म में, ट्रांसमिट स्पीड 1.2 टीबी प्रति सेकंड। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की बवाल पारी और मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी, सेमीफाइनल में भारत की जीत के हीरो रहे 5 खिलाड़ी। सेमीफाइनल में पिच बदलने की बात करने वाले लोगों को सुनील गावस्कर ने लगाई क्लास, कहा वो सभी बेवकूफ हैं जो पिच बदलने की बात कर रहे थे, अब रुक भी जाओ। निराशा और तनाव ने जकड़ा, सुसाइड के ख्याल भी आए, लेकिन आज देश के सबसे बड़े सितारे हैं मोहम्मद शमी, शमी ने सुनाई अपनी दुख भरी दास्तान।
मोहम्मद शमी के बवंडर में फंसकर हारा न्यूजीलैंड। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के तूफान ने भारत को फाइनल का दिखाया रास्ता। मोहम्मद शमी ने छटके 7 विकेट। चौथी बार भारत ने वनडे वर्ल्ड कप में फाइनल में किया प्रवेश। विराट और शमी रहे सेमीफाइनल में जीत के हीरो। मिचेल और विलियमसन ने पैदा कर दी थी जीत की उम्मीदें। फिर मोहम्मद शमी ने चकनाचूर किया न्यूजीलैंड का सपना। सचिन को शतक, वीर कोहली का नमन। फुटबॉलर बेगम ने विराट को दी बधाई। शमी ने छोड़ा कैच, फिर 3 गेंद में 2 विकेट लिए। बीसीसीआई पर आरोप, भारत न्यूजीलैंड सेमीफाइनल की पिच बदली गई। स्पिनर्स को फायदे का दावा। आईसीसी ने कहा पिच बदलना बड़ी बात नहीं। विश्व पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार की अंतिम सूची, नीरज चोपड़ा शामिल। 4 देशों के 5 एथलीटों ने इस साल शानदार प्रदर्शन किया है। जेवरेव ने अल्कारेज को दी शिकस्त। मेदवेदेव को रुबलेव को दी शिकस्त। अल्कारेज ने पिछले साल पेट में परेशानी के कारण इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया था। काम्या पंजाबी ने विक्की जैन संग अंकिता लोखंडे की बढ़ती तकरार पर किया रिएक्ट। कहा उसको शो में नहीं आना चाहिए था। राहा का साइड फोटो वायरल होने पर आलिया भट्ट के छलक गए थे आंसू। आलिया ने कहा मैं सूट्स के बीच में भाग रही थी। विराट कोहली ने लगाया 50वां शतक तो खुशी से फूले नहीं समाई अनुष्का शर्मा। पोस्ट में लिखा आप सच में गॉड चाइल्ड हो। चौथे दिन सलमान खान की टाइगर 3 का हुआ बुरा हाल। घटकर आधी रह गई कमाई। इमरान हाशमी लीड रोल में आए नजर। परिणीति चोपड़ा ने बेस्टी सानिया मिर्जा को खास अंदाज में विश किया बर्थडे। शेयर की अपने रिसेप्शन की खूबसूरत तस्वीर। पर्दे पर कमबैक करने के लिए तैयार है जेनिफर विंगेट। दिल मिल गए के बाद फिर करण वाही के साथ आएंगी नजर। एक्टर विजय वर्मा से जल्द शादी करेंगी तमन्ना भाटिया। घर वाले बना रहे हैं शादी का प्रेशर। तैयारी के लिए नई फिल्में साइन नहीं कर रही हैं एक्ट्रेस। तारा सुतारिया की फिल्म अपूर्वा की स्क्रीनिंग। एक्ट्रेस अपनी फैमिली के साथ दिखी। प्रेम चोपड़ा, अर्जुन कपूर, सूरज पंचोली भी आए नजर। राघव के साथ बद्रीनाथ जाने पर ट्रोल हुई शहनाज गिल। रिलेशनशिप की खबरें उड़ी। ट्रोलर्स को जवाब में कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता। टीवी नहीं ओटीटी पर स्ट्रीम होगा कपिल शर्मा का शो। टीम मेंबर राजीव ठाकुर बोले हमने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।